सिर्फ आरटीसी की, उसके पहले सरनेम होते हैं, सरनेम थे, क्यों हटा दिया आपने? जेल से बचने का एक ही तरीका है, भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। अपनी वॉशिंग मशीन से धो दिया, सारे केस भी बंद हो गए, उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया। गारंटी देने वाला अगर एक नेता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। सरकारी स्कूलों में बच्चे इसलिए नहीं आते क्योंकि आपके स्कूल बुरे हाल में हैं, आपकी सरकार को स्कूल चलाने नहीं आते। आपके यहाँ के सबसे बड़े नेता की पत्नी हर बिजनेस करती है। अभी आपको क्या बोलना है कि केजरीवाल जी जेल में है फिर भी आप दावा करती है कि केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे? नमस्कार, मैं कुमुद दास, आज उपस्थित आसो डिब्रुगढ़ और डिब्रुगढ़ आमार सौभाग्य आमार लगत उपस्थित आसे दिल्लीर मंत्री आतिशी और डिब्रुगढ़ आम आदमी पार्टीर प्रार्थी मनोज धनवार और जीहेतु आतिशी आमार मजत उपस्थित आसे अलग आज हिंदी कब लगे दिल से स्वागत करते हैं आपका आसाम में। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। मनोज जी अपना को स्वागत जनाइछो। मेरा आज खुल के बात करेंगे, इतने सारे लोग हैं, सभी हैं, आम आदमी दिल्ली में आप लोग टेस्टेड है, पंजाब में टेस्टेड है, कुछ हद तक हरियाणा गोवा इन सब स्टेटों में भी आप टेस्टेड है। असम में इस बार दो मतलब कैंडिडेट्स हैं आप लोगों का, सुनीतपुर और डिब्रुगढ़ में, तो इलेक्शन मतलब जिम्मेदारी है आपका भी, गोतर का भी, हर किसी का, तो आप लोगों को मतलब आपको क्यों विश्वास करें असम के लोग? देखिए मेरे ख्याल से एक तो यह सवाल इसलिए गलत है कि असम के लोग क्यों विश्वास करें सही नहीं है। आसाम के लोग पहले से ही आम आदमी पार्टी पे विश्वास करते हैं, अरविंद केजरीवाल पे विश्वास करते हैं, ये सच्चाई है। जब आम आदमी पार्टी की हमारी यहाँ की आसाम की टीम कहती थी कि हमें यहाँ पे चुनाव लड़ना है, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ना है, गुवाहाटी में लड़ना है, तिनसुकिया में लड़ना है, तो हमें भी दिल्ली में बैठे बैठे विश्वास नहीं होता था कि असम में लोग आम आदमी पार्टी को जानते होंगे, अरविंद केजरीवाल को जानते होंगे, हमें वोट देंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कभी दिल्ली नहीं गए, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी अरविंद केजरीवाल को देखा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के काम को देख के, अरविंद केजरीवाल के काम के बारे में सुन के गुवाहाटी के लोगों ने हमारा एक काउंसलर जिता दिया, तिनसुकिया के लोगों ने हमारा एक काउंसलर जिता दिया। तो असम के लोग पहले से ही आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं, आम आदमी पार्टी पर भरोसा करते हैं, और यही कारण है कि इस बार हम दो सीटें यहाँ पे लोकसभा के चुनाव में लड़ रहे हैं। देखिए क्या है, ना सिर्फ असम के लोग, हमारे देश भर के लोगों ने पिछले 75 साल से देखा है कि पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, मंत्री आते हैं, मंत्री जाते हैं, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जिंदगी उतनी ही मुश्किल रहती है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है, घर में कोई बीमार हो जाए इलाज कराना मुश्किल होता है। इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, आप इनसे पूछिए, एक तारीख को जितने पैसे घर में आते हैं उसको देख के सोचती हैं कि महीना कैसे चलेगा, सही कह रही हूँ? 25 तारीख तक, और ये मुझे बता दें अगर मैं गलत कह रही हूं, 25 तारीख तक घर का सारा पैसा खर्च हो जाता है, कोई पैसा नहीं होता घर पे। आखिरी 5 दिन खर्चा कैसे चले, हर महिला का दिल धक धक करता है घर कैसे चलेगा। तो लोगों ने देखा है कि नेता आए नेता गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी जिंदगी में। लेकिन उन्होंने ये भी सुना है कि दिल्ली में एक नेता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, उसने जो वादे किए वो पूरे करके दिखाए, बिजली भी फ्री देता है, पानी भी फ्री देता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी फ्री देता है, इलाज भी फ्री देता है, महिलाओं को बस यात्रा भी फ्री देता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी फ्री देता है, फिर भी मुनाफे की सरकार चलाता है अरविंद केजरीवाल, इसीलिए लोग हम पे भरोसा करते हैं। सवाल पे सवाल नहीं, फिर भी जेल चले गए केजरीवाल? देखिए अब असम के लोगों को तो इसका जवाब पता ही है, जेल से बचने का एक ही तरीका है, भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ।
आपके तो मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा किया। असम की तो कहानी हम पूरे देश भर में सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स कैसी है। जिस हेमंत बिस्व शर्मा जी की भ्रष्टाचार के वाटर स्कैम की बुकलेट निकाल के बांटा करते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, जिनके भ्रष्टाचार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव लड़ते थे, उन्हीं हेमंत बिस्व शर्मा को अपनी पार्टी में ले आए, अपनी वॉशिंग मशीन से धो दिया, सारे केस भी बंद हो गए, उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया। तो अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास भी तो आसान रास्ता है। सत्येंद्र जैन जी 2 साल से जेल में क्यों है? क्योंकि बार बार जब पूछा जाता है कि बीजेपी में क्यों चले जाओ, बीजेपी में चले जाओ, तो वो कहते हैं जान दे दूंगा अपनी लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, इसीलिए जेल में है। इसी बात पर और एक सवाल है मेरा। देखिए आप इंडिया के और वर्ल्ड के भी जाने माने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो आप दूसरा काम भी कर सकते थे। ऑक्सफोर्ड से हिस्ट्री, दिल्ली में सेंस डिफेंस, तो केजरीवाल जी IRS थे, सभी जानते हैं, तो आप दूसरा काम भी कर सकते थे, कंफर्ट जोन में रह सकते थे, कहीं कॉलेज में प्रोफेसर हुआ हो सकते थे, तो ये क्यों सुना? इसमें तो आपको रास्ते में पुलिस आपको कुछ ही दिन पहले विदाई देखते हैं। मिनिस्टर असम का ऐसा नहीं होता है, आप मिनिस्टर है असम या फिर किसी भी स्टेट पे नहीं है कि आप मिनिस्टर है फिर भी आपको रास्ते में पुलिस रुक लेते हैं। अक्सर लोग राजनीति में किस लिए आते हैं, ये सच्चाई है, लोग पॉलिटिक्स में इसलिए आते हैं, सोचते हैं कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा आसान पैसे बनाने का कोई तरीका नहीं है, खुद भी पैसे बना लो, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए भी पैसे बना लिए, इसलिए लोग ज़्यादातर पॉलिटिक्स में आते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इसलिए अलग हैं क्योंकि हम पॉलिटिक्स में आने से पहले ही सक्सेसफुल थे, हम पहले से अच्छी नौकरियां कर रहे थे, हम अच्छी जगह से पढ़े लिखे थे। अरविंद केजरीवाल जी खुद इनकम टैक्स कमिश्नर थे, मनीष सिसोदिया जी एक जाने माने जर्नलिस्ट थे, मैं विदेश में नौकरी कर रही थी, राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो हम राजनीति में क्यों आए? हम राजनीति में इसलिए आए क्योंकि हम देखते थे अपने आसपास इतनी समस्याएं देखते थे, गरीबी देखते थे, भ्रष्टाचार देखते थे, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल देखते थे। हम दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, दिल्ली से अनसेफ शहर महिलाओं के लिए कोई नहीं है, ये हमने बचपन से बड़े होते हुए देखा है। तो हमें ये लगता था कि आखिरकार इसे कौन बदलेगा? अब हमारे देश में किस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं? मुझे याद है जब मैं कॉलेज से बाहर निकली थी, एक मिडिल क्लास परिवार से बड़ी हुई थी मैं, हमने राजनीति के बारे में सोचा भी नहीं था क्योंकि हमें तो ये कहा जाता था जी पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ होती है, और अच्छे पढ़े लिखे परिवार के बच्चे पॉलिटिक्स से अच्छी दूरी बना के रखते हैं, ये कहा जाता था हमें। लेकिन फिर हमें लगता था कि देखिए पॉलिटिक्स में कौन आता है? हमारे समाज के सबसे ज़्यादा क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, राइट? आपने अपने समाज के सबसे, हमारे समाज के बदतर लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस हमारी जिंदगी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं कि हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होगा, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो हमने अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने देश के सबसे बदतर लोगों के हाथों में छोड़ दिए, तभी हमारे देश का ये हाल है। तो हम लोग पॉलिटिक्स में इसलिए आए क्योंकि हमें लगा कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे लोग कीचड़ में घुसने को तैयार नहीं होंगे, तो इस गंदगी को साफ कौन करेगा, ये सोच के हम राजनीति में आए थे। लेकिन मैं ये भी कहूँ आसान नहीं है, आसान इसलिए नहीं है, जब घर में सुबह 8 बजे घंटी बजती है और जब माता पिता पूछते हैं कि CBI ED वाले तो नहीं आ गए क्या, तो ये तो मन में आता है कि अगर कुछ और किया होता तो जिंदगी आसान होती, ज्यादा पैसे भी कमा रहे होते। लेकिन यह सच्चाई है कि जितना इंपैक्ट, जितना हम लोगों की जिंदगी में बदलाव ला पाए हैं राजनीति से, आज हम दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, पंजाब के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आज दिल्ली में, पंजाब में आपके परिवार में कोई बीमार होता है
तो घर वालों को ये नहीं सोचना पड़ता कि गहने गिरवी रख दो, घर गिरवी रख दो, जमीन गिरवी रख दो। आज आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की सरकार सारा इलाज फ्री देती है। तो मैं ये कह सकती हूं कि राजनीति में आने से, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आने से रात को चैन की नींद आती है, संतुष्टि भरा जीवन जीते हैं, ये हमें मिला है राजनीति से। अभी अभी राजनीति में आ गए हैं, ऑलरेडी आप है, तो गारंटी का जमाना है, आप लोग भी गारंटी का बात कर रहे हैं। तो मैं असम के मुद्दे को लेकर आपको पूछना चाहता हूं कि जो से कम्युनिटी है उनको जनजातिकरण चाहिए, तो आप बोल रहे हैं कि आप उसके हक में हैं, वो देना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप भी गारंटी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, केजरीवाल ही गारंटी देता है और कोई गारंटी नहीं देता। बाकी सब क्या देते हैं? जुमले देते हैं। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जिसने सबसे पहले कहा था कि बिजली फ्री दूंगा, 24 घंटे दूंगा, फ्री बिजली देके दिखाई, 24 घंटे बिजली देके दिखाई। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जिसने कहा था कि आपके बच्चों को सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दूंगा, अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था घर घर पानी पहुंचाऊंगा, फ्री पानी दूंगा, अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। तो गारंटी देने वाला अगर एक नेता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी सीख रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। लेकिन सिर्फ नाम की गारंटी से कुछ नहीं होता, काम में भी गारंटी दिखनी चाहिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी को पता होना चाहिए। वो असम में बहुत सारे मतलब टी गार्डन कम्युनिटी है, उनका बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम है कि उसका वेज बढ़ाया जाए। आप लोगों का गारंटी में पढ़ा हूँ तो 450 रुपीस तक आप देने का वादा कर रहे हैं, जहाँ 350 भी नहीं है जी, वो कैसे पॉसिबल है? देखिए, ना सिर्फ पॉसिबल है, आज हमने दिल्ली में पूरे देश से सबसे ज्यादा मिनिमम वेज करके दिखाया हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया हुआ है। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी तो दिल्ली में करीब 350 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिनिमम वेज था, आज 670 रुपए मिनिमम वेज दिल्ली में है, पूरे देश में सबसे ज्यादा। हमने लड़ झगड़ के किया, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने मिनिमम वेज बढ़ाया, हमारे सिर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब भी बिठाए हुए हैं, तो एलजी साहब ने फाइल साइन करने से मना कर दिया। हमने लड़ झगड़ के साइन करवाई तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी वकील को हाईकोर्ट भेज दिया हमारे मिनिमम वेज के खिलाफ, हम वहां से जीत के आए। फिर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया भारतीय जनता पार्टी ने किसी को, हम सुप्रीम कोर्ट में भी केस जीत के आए और दिल्ली में हमने ये मिनिमम वेज लागू किया। और वैसे ही हम आसाम के लोगों को गारंटी दे रहे हैं, चाय बागान में काम करने वालों को गारंटी दे रहे हैं कि जो इतने साल से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे के बावजूद नहीं किया, आप यहां से आम आदमी पार्टी के सांसद जिता के भेजिए। हमारा ये वादा है कि 350 रुपए क्या, 450 रुपए दिन के हिसाब से चाय के बागान में काम करने वालों को मिनिमम वेजेस मिलेंगे। और ये जुमला नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, इसका मतलब कह दिया तो करेंगे। बीइंग द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, आपने पहले बोला कि शिक्षा मुफ्त इलाज दिल्ली में आप लोग कर रहे हैं, तो असम में भी सरकारी स्कूलों में समस्याएं है, तो आप कुछ यहाँ मतलब असम गवर्नमेंट को बोलना चाहेंगे? असम सरकार कहती है कि हमें स्कूल इसलिए बंद करने पड़ रहे हैं, हमें 8,000 स्कूल इसलिए बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं आते। मैं उनको कहना चाहूंगी, सरकारी स्कूलों में बच्चे इसलिए नहीं आते क्योंकि आपके स्कूल बुरे हाल में हैं, आपकी सरकार को स्कूल चलाने नहीं आते। आप दिल्ली में देखिए, पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने
प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े कह रहे हैं। तो अगर दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों का 9 साल पहले यही हाल था, जैसे आप देश भर में जाइए सरकारी स्कूल टूटे फूटे हैं, कहीं पे टीचर नहीं है, कहीं पे प्रिंसिपल नहीं है, कहीं पे बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं है। दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों का यही हाल होता था, जिसके पास थोड़े से पैसे होते थे वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल कर प्राइवेट स्कूल में डाल देता था। लेकिन ये दिल्ली की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, मनीष सिसोदिया जी जैसे शिक्षा मंत्री के लीडरशिप में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार का 25% बजट एजुकेशन पर लगाया, आज तक देश के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं लगाया। 10 साल के अंदर अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डबल कर दिया, जहां पे 1947 से लेके 2015 तक 22,000-24,000 कमरे बने थे, हमने मात्र 9 साल में 20,000 नए कमरे बना दिए और पूरे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल कर दिया। और सिर्फ कमरे नहीं बनाए, शानदार वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, वर्ल्ड क्लास कमरे बनाए। आज प्राइवेट स्कूल वाले भी आके हमसे पूछते हैं, आप डेस्क कहाँ से खरीदते हो, इतने अच्छे डेस्क हमें भी खरीदने हैं, हम भी अपने प्राइवेट स्कूल में ऐसे डेस्क लगाना चाहते हैं। आज सरकारी स्कूल का बच्चा स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहा है, आज सरकारी स्कूल के बच्चे के पास स्विमिंग पूल है, आपने कभी सुना था? मुझे तो लगता है बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी स्विमिंग पूल नहीं होता होगा, जो दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलता है, फ्री में मिलता है, स्विमिंग फ्री में सीखते हैं और आगे चल के दिल्ली का और देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि दिल्ली में बोलेंगे कि दिल्ली में पैसा है, दिल्ली रिच स्टेट है, असम में इतना पैसा नहीं है, आप गारंटी पर गारंटी दिए जा रहे हैं, कहाँ से होगा ये? देखिए, आसाम में पैसा क्यों नहीं है, सवाल ये नहीं है कि दिल्ली में पैसा है आसाम में पैसा क्यों नहीं है, दिल्ली में पैसा क्यों है और आसाम में पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपनी जेब में पैसा नहीं डालते, जनता की जेब में पैसा डालते हैं। आप मुझे बताइए, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहती, पर सब लोग जानते होंगे अपने इलाके के MLA को, अपने इलाके के काउंसलर को, अपने इलाके के सांसद को, जब वोट मांगने आते हैं ना पहली बार, तो छोटी छोटी गाड़ी में आते हैं, 2-व्हीलर पे आते हैं। 5 साल में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आ जाती हैं उनके पास? 5 साल में बड़ी गाड़ी में आते हैं कि नहीं आते? जब वोट मांगने आते हैं तो हमारी तरह गली मोहल्ले में छोटे से घर में रहते हैं, 5 साल बाद इतने बड़े बड़े महल जैसे घर हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो जो पैसा हमारे स्कूलों में जाना था वो उनकी गाड़ियों में जा रहा है, वो उनके बंगलों में जा रहा है, वो उनके स्विस बैंक अकाउंट में जा रहा है। अब मैं फिर से किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आपके यहाँ के सबसे बड़े नेता की पत्नी हर बिजनेस करती हैं, स्कूल भी चलाती हैं, हेल्थ का भी बिजनेस करती हैं, हर तरह का बिजनेस जिसमें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है नेताओं के परिवार वाले करते हैं। वो सड़क भी बनाएंगे, वो स्कूल भी बनाएंगे, वो दवाई भी बनाएंगे, वो पुल भी बनाएंगे, हर चीज उनको ही आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पैसा सरकारी पैसा है हमारे बच्चों पे लगना है, हमारे परिवार वालों पे लगना है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, सब कुछ उनकी जेब में जाता है, इसलिए आसाम के पास पैसा नहीं है। आपका जो है वो जो लोग है मतलब सरकार में, हाँ, दिल्ली सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं होता था। दिल्ली सरकार में जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, तो दिल्ली का टोटल बजट था 30,000 करोड़। और मैं ये आपको बता दूं, दिल्ली को, असम को तो फिर भी मिलता है, दिल्ली को केंद्र सरकार से कुछ पैसा नहीं मिलता, सारा पैसा दिल्ली के अपने टैक्स से आता है। हमारी सरकार आने से पहले 2010 से लेके 2015 तक दिल्ली का कुल बजट 25,000 करोड़ से बढ़कर 30,000 करोड़ हुआ। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 5 साल में दिल्ली का बजट दुगुना करके
30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ पहुंचा दिया, ये होती है ईमानदारी से चलने वाली सरकार। तो अगर सरकारें ईमानदारी से चलें तो पैसे की कभी कमी नहीं होती। आप आसाम छोड़िए, हमें पंजाब में जो सरकार कांग्रेस से और अकालियों से मिली है, लाखों करोड़ के घाटे में चल रही है वो सरकार, फिर भी जब से हमारी सरकार आई है टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, तभी वहां पे अच्छे स्कूल भी बन रहे हैं, तभी वहां पे मोहल्ला क्लिनिक भी बन रही है, वहां पे फ्री बिजली भी मिल रही है। तो जैसा पंजाब में हो सकता है, जैसा दिल्ली में हो सकता है, वैसा आसाम में भी हो सकता है। बस आसाम के लोगों को सही जगह वोट देने की जरूरत है। देखिए, आप पहले बोल चुके हैं कि लोग आदत से मजबूर है, लोग आदत से इसलिए मजबूर है कि हर कोई आप जैसा नहीं बन सकता, हर कोई वही मन में वही रहेगा कि आरटीसी आप 10 साल पहले 11 साल पहले ये आम आदमी पार्टी आ गए, तो केजरीवाल जी आ गए, आप आ गए, तो हर कोई ऐसा नहीं बन सकता, ये सोच बदल सकते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है सोच तब बदलेगी जब लोगों का वोट बदलेगा। वोट बदलने से ही, अगर जो आसाम के लोग हैं अगर अपनी वोट बदलेंगे ना, तो हर नेता को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आज आप देखिए क्या होता है, सिर्फ नेताओं की गलती नहीं है, पब्लिक की भी गलती है। जो हमारे जिन नेताओं को हम वोट देके भेजते हैं, उनको क्या लगता है कि चुनाव का समय आएगा, चुनाव के समय हम पैसे बांटेंगे, चुनाव के समय हम साड़ी बांटेंगे, चुनाव के समय हम टीवी बांटेंगे, चुनाव के समय हम धर्म की बात करेंगे, चुनाव के समय हम जाति की और ट्राइब की बात करेंगे, और हम अपना आपका वोट लेके चले जाएंगे। इसीलिए 5 साल तक कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ पैसे कमाते हैं जो वो चुनाव के समय बांट सके। लेकिन अगर हम वोट सही जगह डालेंगे, अगर मान लीजिए कोई नेता वोट मांगने आए और वो जो दरवाजा खटखटाए, हर घर में लोग उससे पूछें कि तुमने सरकारी स्कूल ठीक किए क्या, तुमने सरकारी अस्पताल ठीक किए क्या, तुमने 24 घंटे बिजली दी क्या, तुमने हमारे युवाओं को रोजगार दिया क्या, चाय के बागान के मजदूर की मजदूरी बढ़ाई क्या, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ इस देश के हर राज्य का, हर पार्टी का हर नेता अपने वादे पूरे करेगा, बशर्ते हम लोग वोट सही जगह डालें। यह हमारी जिम्मेदारी है, पब्लिक की जिम्मेदारी है। तो ये सोच, नेताओं की अगर सोच बदलनी है तो लोगों को अपनी वोट से बदलनी होगी। ये पब्लिक की ताकत है, ये ताकत हमें संविधान ने दी है। हम सही जगह वोट डालेंगे, शिक्षा के लिए वोट डालेंगे, अस्पतालों के लिए वोट डालेंगे, युवाओं की नौकरी के लिए वोट डालेंगे, तो बिल्कुल नेता भी जरूर करेंगे। आपने नौकरी की बात की, नौकरी पॉसिबल नहीं है। आपको अगर दिल्ली में बिठा दिया जाए तो सरकारी नौकरी हर किसी को देने का मतलब आप गारंटी नहीं दे सकते। देखिए, सिर्फ सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, आज आप देखिए पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे तो उनका नारा था, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, यही वादा किया था ना उन्होंने। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ऐसा उनका वादा था। 10 साल बीत गए, 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? मिली क्या किसी को नौकरी यहां पे? मिली किसी को नौकरी? नहीं मिली ना। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि संसद में जब किसी ने कोई सवाल पूछा था एक आध साल पहले, तो पता चला कि 10 साल के अंदर अंदर 20 लाख नौकरियां नहीं मिली, 20 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दिल्ली में हमें पता है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अगर हमारे युवा सिर्फ नौकरियों की लाइन में लगे रहेंगे, सारे युवा नौकरी ढूंढने वाले बनेंगे, नौकरी लेने वाले बनेंगे, तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा? इसीलिए हमने 9वीं कक्षा से अपने स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की शुरुआत की है, बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की शुरुआत की है। हम 11वीं में अपने स्कूल के हर बच्चे के हाथ में 2,000 रुपये देते हैं, कहते हैं अपनी टीम बनाओ और अपना स्टार्टअप चालू करो।
तुम कोई स्टार्टअप चालू करो, कोई ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस करता है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस करता है, कोई ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाता है। हमारे स्कूल में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले एक लड़के से मिली, उन्होंने एक टीम बनाई बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के तहत और अपना एक बिजनेस शुरू किया, AK लॉजिस्टिक्स, कुरियर कंपनी का उन्होंने काम शुरू किया। वो बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 15 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे। तो ये एक सरकार की विजन की बात है कि हम चाहते हैं हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेजेस से नौकरी देने वाले बच्चे निकलें, ना नौकरियों की लाइनों में खड़े होने वाले बच्चे। इस पे अरविंद केजरीवाल सरकार काम कर रही है। अपना लोग हकुलवे साय से कैने को लगी से भाल लगी से ने मनोज धनवाड़ा से मनोज धनवाड़ तो सिनी पाए सागे আপুনি কি কব খোজে যে RTC দিল্লীৰ মিনিষ্টাৰ আহিছে আজি আপোনাৰ কাৰণে প্ৰচাৰ চলাইছে, প্ৰচাৰৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা দেখিছে? মেমৰ উপস্থিতিত আজি খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আম আদমি পাৰ্টিৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই যিধৰণে আমাক সদল বলে, যিটো দুগুণ তিনিগুণ উৎসাহেৰে তেওঁলোকে আমাক লগ দি আছে, আমি অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰিয় নেতাজন জেলত আছে, কিন্তু ক'তো আমাক অনুভৱ হ'ব দিয়া নাই যে তেখেতৰ অনুপস্থিতিৰ কাৰণে যে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই আমাক লগ দিয়া নাই। আৰু আগন্তুক দিনত আম আদমি পাৰ্টিৰ 100% জয় নিশ্চিত। ধন্যবাদ आतिशी जी। एक सवाल, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरा वाइफ से फ़ोन पे बात हुआ था कि मैं मिल रहा हूँ आतिशी जी को, तो उसने बोला आप क्या कुछ सवाल करो, वो मतलब आई डोंट हैव एनी इश्यू। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये बात बता देना। थैंक यू। आप मुझे आपकी पत्नी को मेरी तरह से धन्यवाद जरूर बोलिएगा। तो मेरा सवाल ये है कि आपका नाम आतिशी है, हर कोई जानता है ना? हर कोई जानते हैं, सिर्फ आतिशी क्यों? उसके पहले सरनेम होते हैं, सरनेम थे, क्यों हटा दिया आपने? मार लेना कितना अच्छा था, सिंह वो भी लगा सकते थे। देखिए, अगर हमारी ये हमारे देश की राजनीति की समस्या है कि हम सरनेम के आधार पर वोट देते हैं कि वो हमारी जाति का है, मैं पंडित हूं और ये पंडित है इसलिए मैंने इसको वोट दे दिया, मैं एक भाषा बोलती हूं ये एक भाषा बोलता है इसलिए मैंने इसको वोट दे दिया। वोट हमें काम के आधार पर देना है, नाम के आधार पर नहीं देना। ये हमारे देश में हमें समझना बहुत जरूरी है हमारी राजनीति में, वरना क्या है कि नेता यही समझते हैं कि 5 साल में उनको आने की जरूरत है नहीं, काम करने की जरूरत है नहीं, आखिरी समय पे सही जाति का, सही ट्राइब का, सही भाषा बोलने वाला कैंडिडेट दे देंगे, फिर पैसा बांट देंगे, साड़ी बांट देंगे, गाड़ी बांट देंगे और लोग हमें वोट दे देंगे। तो ये वोटर के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम किस आधार पर वोट डाल रहे हैं। देखिए, हम जिस आधार पर वोट डालते हैं नेता वही करेंगे आगे चल के। अगर हम जाति के आधार पर वोट डालेंगे तो नेता भी आगे से जातिगत समीकरण पे ध्यान देंगे। अगर हम धर्म के आधार पर वोट डालेंगे तो नेता फिर हिंदू मुसलमानों का लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके आधार पर वोट पड़ेगा। अगर हम पैसे लेकर वोट डाल देंगे तो फिर नेता 5 साल से भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार का पैसा कमाएंगे कि 5 साल बाद हमें बांटने आएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी राजनीति को और हमारे वोट को नाम के आधार पर नहीं, काम के आधार पर होना चाहिए, इसीलिए मैं अपना सरनेम यूज नहीं करती। ठीक है, आप लोगों को पसंद आई ना बात? आई तो हम आज दर्शकों से भी कुछ सवाल लेना चाहेंगे, तो हम बात करेंगे। आप अपना क्वेश्चन रेडी रखिएगा। मनोज धनवार अपना खुदिस ডিব্ৰুগড়ত যিটো ছবি আমি আজি দেখিছোঁ বা আজি গোটেই আমি ফুৰিছোঁ, ডিব্ৰুগড়ত সমস্যা
ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহৰো আছে, অকেই অসমৰ অন্য মানুহৰ যি সমস্যা একেই সমস্যা। আপুনি যদি সংসদলৈ যোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে কি কৰিব? আম আদমি পাৰ্টিৰ আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এজেণ্ডা হৈছে যে আমি উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰোঁ। আমাৰ নেতাই কয় যে আমি স্কুল বনাম, আমাৰ নেতাই কয় যে আমি হস্পিটেল বনাম, আমাৰ নেতাই কয় যে আমি ৰাস্তা পদূলি বনাম। গতিকে আমাৰ মূল এজেণ্ডাটো হ'ব উন্নয়নৰ ৰাজনীতি, আৰু তাৰ লগে লগে এই উন্নয়নৰ ৰাজনীতিটো অব্যাহত থোৱাৰ কাৰণে আমাক দুৰ্নীতি নাইকিয়া কৰিব লাগিব। যিটো কমিশন ৰাজ চলি আছে, পঞ্চায়ত অফিচৰ পৰা লৈ মিউনিচিপালিটি অফিচলৈকে যিটো কাৰাপশ্যন চলি আছে, এই কাৰাপশ্যনটো নাইকিয়া কৰি আমি উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিম। আমাৰ প্ৰথম মূল এজেণ্ডাটো সেইটো হ'ব। আৰু তাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড়বাসীৰ কাৰণে বহুতো জ্বলন্ত সমস্যা আছে। প্ৰথমতে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে এতিয়া কেঁচা চাহপাত আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় চবৰ ঘৰতে কেঁচা চাহপাত তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে। কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত বিগত কিছু বছৰত লাহে লাহে কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য নাইকিয়া হৈছে, পৰ্যায় এনেকুৱা পাইছে এতিয়া যে ফেক্টৰী বন্ধ কৰিব লগা হৈ আছে, কেঁচা চাহপাত ৰাস্তাত পেলাব লগা হৈ আছে। আম আদমি পাৰ্টিৰ আমাৰ মজিয়াত আমি গেৰেণ্টি উত্থাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ আহিলে যিটো এম এছ পি অৰ্থাৎ মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ, যিটো ন্যূনতম যিটো প্ৰাইচ চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব, আৰু সেই এম এছ পিটো আমি চৰকাৰীভাৱে আমি মানি চলিম যাতে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল মাৰ নাযায়। ধন্যবাদ আতিশজি। ইয়ে মনোজজি বোল ৰে কি ডেভেলপমেণ্ট কা পলিটিক্স আপ কৰতে হে, তো হমনে দেখা হে কি 2011 সে 26 নৱেম্বৰ থা শায়দ, তো জব আম আদমি গঠন হোৱা থা, তো 10 সাল মে ইয়ে হমনে দেখা হে কি নেশনেল পাৰ্টি কা ৱো মিল গয়া, তো ইয়ে আপনে আপ মে এক বহুত বড়ি মতলব ৱো হে। তো अभी उतार चढ़ाव में देखा है कि जो शराब के घोटाले को लेकर केजरीवाल जी जेल चले गए, तो वो भी स्पीड हो गया, इतना कि दोनों स्पीड हो गया, 10 साल में नेशनल पार्टी भी हो गया, अभी केजरीवाल जी जेल भी चले गए। तो इस अभी आपको क्या बोलना है कि केजरीवाल जी जेल में है फिर भी आप दावा करती है कि केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उसके सफाई में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कोई ईमानदार है या बेईमान है ये इस बात से डिसाइड नहीं होता कि वो जेल के अंदर है या बाहर है, वो इस बात से डिसाइड होता है वो भाजपा के अंदर है या वो भाजपा के बाहर है। क्योंकि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जैसे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक फ्रंट होता है ना, वो बना के रख दिया है। आप ईडी के केसेस देखिए, पिछले 10 साल में 95% पॉलिटिकल केसेस सिर्फ ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ होते हैं। उससे दो चीजें होती हैं, या तो वो डर जाते हैं, जेल जाने से डर के भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अभी सबसे आसाम का तो मैंने आपको बता ही दिया, आपके मुख्यमंत्री का केस तो सबको ही पता है, वाटर स्कैम वाटर स्कैम वाटर स्कैम होता था, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वाटर स्कैम भी खत्म हो गया, मुख्यमंत्री भी बन गए। अभी कुछ ही दिन पहले प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, छगन भुजबल, जिनके बारे में प्रधानमंत्री बोलते थे कि इतना भ्रष्टाचार किया है जेल भेजूंगा, चक्की पीसेंगे, आज चक्की नहीं पीस रहे, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की एयर कंडीशन्ड हवा खा रहे हैं, ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। प्रफुल्ल पटेल के केस में 70,000 करोड़ के घोटाले की क्लोजर रिपोर्ट 2 हफ्ते पहले फाइल की है सीबीआई ने। छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में चला गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट में पता है ईडी ने क्या जाके बोला कि हमारे कागज खो गए,
इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप विश्वास कर सकते हैं? नहीं, आपने तो बहुत जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाए वो तो दूध का धुला, जो भारतीय जनता पार्टी में ना जाए जैसे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, तो फिर वो जेल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो आजकल जेल जाने या ना जाने से ईमानदारी का पता नहीं चलता, ईमानदारी का पता चलता है कि केस होने के बाद, सीबीआई पीछे पड़ने के बाद, ईडी पीछे पड़ने के बाद, जो भ्रष्टाचारी है वो बीजेपी में चला जाता है, जो ईमानदार है वो बाहर रह जाता है। ये अब क्राइटेरिया भ्रष्टाचार का हो गया है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर, सत्येंद्र जैन पर, संजय सिंह पर हमें गर्व है। इतने साल से जेल में हैं सत्येंद्र जैन, लेकिन अभी तक झुके नहीं, टूटे नहीं, दबे नहीं, भारतीय जनता पार्टी में गए नहीं। आपको नहीं लगता उनके घर में रोज लोग आते होंगे, उनके परिवार वालों को बोलते होंगे? मनीष सिसोदिया जी की पत्नी को 20 साल से सीरियस बीमारी है, उनके पास कोई आया? कहते हैं कि जी अगर मनीष जी बीजेपी में चले जाएंगे तो केस खत्म हो जाएंगे। वो बीमार महिला जो बार बार अस्पताल में एडमिट होती है बीमारी की वजह से, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मनीष ने अरविंद भैया का हाथ छोड़ दिया, अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, तो मैं मनीष को छोड़ दूंगी, ये मेरा दावा है। तो हमें अपने नेताओं पर और उनके परिवारों पर गर्व है। देखिए, गांधी जी भी सालों तक जेल में रहे थे, नेहरू जी भी जेल में रहे थे, बाल गंगाधर तिलक भी जेल में रहे थे। जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो आज जो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, ये हमारे देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है। इसी तरह से एक रोलेट एक्ट होता था अंग्रेजों के जमाने में, जिसमें आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे और उसके बाद बेल नहीं मिलती थी। लाला लाजपत राय की मौत हुई थी उस रोलेट एक्ट के खिलाफ संघर्ष करते हुए। अंग्रेजों के पास रोलेट एक्ट होता था, भारतीय जनता पार्टी के पास पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बिना किसी सबूत के जेल में डाल दो और आप एक बार जेल में डाल दो तो बेल मिलेगी नहीं, तो सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दो। एक बात बताइए, अभी जो माहौल आपने देखा है आसाम में घूम के, आपका 3 दिन का ये दौड़ है, तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि हर कोई, मतलब लोगों में ये एक नेगेटिव है कि क्या होगा पहले से तय है, क्या होगा मतलब कौन एमपी बनेगा डिब्रूगढ़ का, सभी जानते हैं, तो उस नेगेटिव को सेंस करने के लिए आप क्या करना कहना? देखिए, मैं आपको बात बता रही हूँ, ये इनका जो है ना 400 पार, इनके लक्षण 400 पार के नहीं है, इनके लक्षण 40 पार के दिख रहे हैं। इस बार जो 400 पार हो रहा होता है वो विपक्ष के नेताओं को जेल नहीं भेजता, जो 400 पार हो रहा होता है वो दूसरी पार्टियों के बैंक अकाउंट नहीं बंद कर रहा होता, जो 400 पार हो रहा होता है वो बाकी पार्टियों के ऑफिस नहीं सील कर रहा होता, जो 400 पार हो रहा होता है चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को नहीं बदल रहा होता। अगर 400 पार होते तो ये सब नहीं कर रहे होते। जो आज भारतीय जनता पार्टी के लक्षण हैं, वो कहते रहे हैं 400 पार, लक्षण उनके 40 पार के हैं, तभी इतना डरे हुए हैं और तभी लोगों को इतना धमका रहे हैं। अभी हिंदी अलायंस गठबंधन हुए है असम में, थोड़ा मतलब ठीक नहीं हुआ, और आपके जो पार्टी के लोग हैं जैसे राजेश जी है, बाकी चौधरी जी है, सभी है, उनसे भी हमारा बात होता है, तो आपको लगता है कि एकजुट होके अगर करते, अभी तो एकजुट नहीं है, तो कुछ अच्छा होने वाला था? देखिए, हमें इस बात का दुख है कि गठबंधन नहीं हुआ, हम गठबंधन चाहते थे। इनफैक्ट जब से इंडिया अलायंस की बातचीत होनी शुरू हुई है, ऐसा कहा जाता था सब लोग जो आपकी तरह राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जिन्हें हम पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, टीवी
चैनल पे आके कहते थे देखना आखिरकार अरविंद केजरीवाल गठबंधन में नहीं आएगा, आखिरकार अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पहले दिन से इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन से को साथ रखने के लिए काम कर रही है, एक साथ चुनाव लड़ने के लिए काम कर रही है। अभी मतलब फिर भी आपका दिल्ली में बाकी 3-4 स्टेट में बहुत अच्छे हैं, 5 स्टेट में। तो मुझे एक बात बताइए, तो उसको लेकर पब्लिक में गलत मैसेज चला जाएगा कि बाहर है यहाँ नहीं है, वो मतलब अलायंस के लिए एक खतरा बन गया है, तो उसको आप कैसे टैकल करना, कैसे समझाना चाहेंगे कि आप अलायंस में है भी नहीं भी? देखिए हर स्टेट का अपना अपना एक डायनामिक होता है। फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली में अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, हम गुजरात में अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम पंजाब में अलायंस में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो हर गठबंधन का और हर राज्य की पॉलिटिक्स का अपना अपना डायनामिक्स होता है, असम की पॉलिटिक्स का भी है। जैसा मैंने कहा हम चाहते थे कि गठबंधन हो लेकिन नहीं हुआ, इससे हमें दुख है। लेकिन मैं डिब्रूगढ़ की जनता को एक चीज कहना चाहती हूँ, आपके आने वाले एमपी स्टेज पे बैठे हुए हैं, आपको झाड़ू पे बटन दबाना है, मनोज धानोवाल को एमपी बनाना है, और आप वोट सिर्फ एक इनके लिए नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ एक मनोज धानोवाल को वोट नहीं दे रहे हैं, आप अरविंद केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, आप अरविंद केजरीवाल की गारंटी को वोट दे रहे हैं, आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा को वोट दे रहे हैं, अच्छे अस्पताल को वोट दे रहे हैं, चाय बागान के मजदूरों की बढ़ी हुई डेली वेजेस को वोट दे रहे हैं, चाय की एमएसपी को वोट दे रहे हैं। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अलायंस और नो अलायंस, इस बार डिब्रूगढ़ का एमपी आम आदमी पार्टी से होगा, मनोज धानोवाल होगा, ये मैं आज आपके सबके सामने कह के जा रही हूँ। মানুহবিলাক মনবিলাক অলপ হেৰি হৈ গ'ল নেকি, অলপ এনাৰ্জি কমি গ'ল নেকি? আকৌ এবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে হাত চাপৰি বজাই দিয়ক, সকলো ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ আছেতো। আমি এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন ল'ব খুজিছোঁ, দৰ্শকসকলৰ প্ৰশ্ন ল'ব খুজিছোঁ। আমাৰ লগত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে, অধিবক্তা আছে, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে। এখন তালিকা দিছে আমাৰ বন্ধু এজনে, গতিকে এই তালিকাখনৰ পৰা আমি জয়ন্ত কুমার শর্মা আছে নেকি বাৰু, তেখেতে প্রশ্ন এটা করব খুঁজছে। হয় নমস্তে ম্যাম, মেরা এসা কুয়েশন নাই হ্যাঁ, লেকিন ইহাঁ যো হো রা হ্যাঁ ইয়ে আপকো মে বটানা চাহতা হুঁ। আছে 5 সাল পেহলে এফিডেফিট হাম যো কাটে হ্যাঁ ও 15 রুপিস কা স্টাম্প পেপার মে কাটা থা, অভি হো গিয়া 100 রুপিস। পেহলে যো এগ্রিমেন্ট 10 রুপিস মে কাটা থা, অভি হো গিয়া 1000 সে 5000 তক। पहले जो इंडेमनिटी बॉन्ड 30 रुपीज़ में होता था, अभी हो गया 1000। ऐसे और एक बात है, अभी पट्टा दे रहा है माटी का, लैंड का जो पट्टा, पट्टा में प्रीमियम में किसी क्लाइंट को पूछा है, एक कट्ठा जमीन के लिए प्रीमियम कभी होता है 3 लाख 4 लाख ऐसे करके। गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरा पहले वैल्यू बढ़ा दिया एरिया का, वैल्यू बढ़ाने के बाद प्रीमियम सेट किया। ऐसे हो रहा है कि हम गवर्नमेंट से परचेस कर रहा है लैंड, ऐसा हो गया, गवर्नमेंट हमको माने सेल कर रहा है। जयंत शर्मा डांगरिया जी कथा उत्थापन करिले, दरअसलते एतु एक धरणे आमी आम आदमी पार्टी मजियात आमी भाबिसु जे एतु एटा सरकारर खुखन, जितु 30 टकार दलिल এতিয়া 1000 টকাত কিনিব লগা হৈ আছে, এটো এক ধৰণৰ চৰকাৰৰ অত্যাচাৰ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু আম আদমী পাৰ্টিৰ মজিয়াত এইবোৰক লৈ আমি যুঁজিম, আৰু আমি যাতে ৰাইজৰ ওপৰত এনেকৈ অত্যাচাৰ নহয় ইয়াৰ বাবে আগন্তুক দিনত আমি কাম কৰি যাম। মে মদন শাহ, ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ জব ইয়াৰ চে এক্ট লাগু হুই হে, যো টি ভি চি কা গঠন হোৱা, উনকে সাথ বৈঠক হুই, অৰ এক জাত পাত কি যো ওহাঁ লড়াই হতি হে, এতিয়া হিন্দীত কথা না পাতিবা, অসমীয়াত কথা পাতা पाती वो लगी वो, ये चीज मुझे दिल में चुपता था। जब इलेक्शन आती है तो उस समय सभी
सभी हिंदी भाषी समाज को लेकर को एकत्रित होकर को वोट ले लेता है, और जब समय आता है तो जात पात का दिखाई देने लगता है, ऑफिस में बुलाकर को अपमान करता है। मुझे भी खरीदने का कोशिश किया कि आप पैसा ले लीजिए, बैठ जाइए टीबीसी के, आप साइन कर दीजिए, अकेला टीबीसी टाउन बेंडिंग कमेटी का 50% पावर जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अंदर में मेरे पास पावर है। इतना कुछ होते हुए भी मैंने बोला कि नहीं, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पेपर्स है मेरे पास जो आज दर दर का मेरा वेंडर भटक रहा है, 2018 का है, जो HS रोड में भी मेरा स्ट्रीट वेंडर्स को लगाने का अलाउ किया था, डिसीजन जो मतलब जो दिए थे वो भी है, साथ ही 28 बेंडिंग जोन दिया, उसको पार्किंग जोन में कन्वर्ट कर दिया, और वेंडर को साथ 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया का रोज भी असूलने का वसूली किया। जब मैंने इसके लिए विरोध किया तो मेरे लिए प्रोसेशन निकालने के लिए बंद हो गया, मैं ऑफिस में गया तो मुझे जेल में भरा दिया गया। जबकि ये सभी को डिब्रूगढ़ समस्ती को पता है कि MLA सर, जो हमारे माननीय MLA सर जो पखंतो सर है, कहा था कि मदन साहब मतलब बेल होवो न लगे, जो मैं 4 दिन में निकल कर आया हूँ, इसलिए कि मैं ईमानदार था। मुझे भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है, यही कारण है पार्टी ज्वाइन नहीं किया तो उनको आज जेल में भरा दिया गया है। कहीं ना कहीं तो सत्य है, और आज नहीं तो कल ये सत्य निकल कर को आएगा। अगर इस देश में आज तक कोई एक सरकार आई है जिसने गरीबों के लिए काम किया है, आम लोगों के लिए काम किया है, वो सरकार अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार है, इससे पहले किसी ने नहीं किया। वरना चाहे जो झुग्गी में रहता है, चाहे जो स्ट्रीट वेंडर है, चाहे जो मिड डे मील वर्कर है, चाहे जो आंगनवाड़ी वर्कर है, सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं। चुनाव के समय जब वोट चाहिए होता है तो वेंडर के भी साथ खड़े होंगे, मिड डे मील वर्कर के भी साथ खड़े होंगे, झुग्गी वाले के साथ भी खड़े होंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उनके वो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेन वाले बड़े बड़े दोस्तों के साथ खड़े होते हैं, उनके लाखों करोड़ रुपए माफ होते हैं, लेकिन एक आम इंसान का, एक किसान का लाख रुपए का लोन नहीं माफ होता है। तो ये मेरा आपसे वादा है कि जो यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याएं हैं, जो यहाँ के मिड डे मील वर्कर्स की समस्याएं हैं, जो यहाँ के आंगनवाड़ी वर्कर्स की समस्याएं हैं, आपके हक की लड़ाई लड़ने में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद अतिथि जी। आरुआ से बबीता दास, आशा कर्मी। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি আমি আহিছোঁ মিড ডে মিলৰ মানে কৰ্মচাৰী হৈ। আমি বহুত সমস্যাত ভুগি আছোঁ। আজি আমি 5 চনৰ পৰাই আমি বহুত কষ্ট কৰি পেলাই আমি ৰন্ধন কৰি খুৱাই আহিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। মই কিন্তু হিন্দী ক'ব নাজানো, অসমীয়াতে কৈছোঁ। গতিকেলৈ আজি আমি আহিছোঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বুলি আমি ভাবি অহা নাই। আমি আপোনালোকৰ পৰা ভৱিষ্যতে কিবা কিবা আশা পাম নেকি, তাৰ আশাৰেহে আমি আজি আহিছোঁ ইয়ালৈ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰজন্মসকলৰ, আমাৰ যিখিনি কণ কণ শিশু আছে, সিহঁতক আমি ভাল ধৰণে খুৱাই পিন্ধাই ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সাহস নাইকিয়া হৈছে। কাৰণ BJP চৰকাৰে আমাক যিখিনি কৰি আহিলে, আমাক মানে ইমানেই সামান্য এটা পাৰিতোষিক দিছে, ক'বলৈ লাজ লাগে। আমাৰ মাহটো চাবোনডোখৰ কিনিবলৈ আমাৰ নোজোৰে। গতিকেলৈ আপোনাৰ ওচৰত, আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ভিক্ষা মাগিছোঁ, ভৱিষ্যতে যাতে আপোনালোকে যেতিয়া আসনখন পাব, আমাক যাতে গুৰ মাৰি পেলাই নথৈ দাঙি ধৰে, আমি সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে অন্ততঃ বুজি পাইছে এটা পৰিয়াল চলিবলৈ কিমান লাগে। আপোনালোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মুখ্য মানে মন্ত্ৰী মহোদয়সকলে সেই 1000 টকা বোধ কৰোঁ নিজৰ কৰ্মচাৰীক মানে এদিনৰ হাজিৰাও নিদিয়ে নেকি, চিন্তা কৰি চাওকচোন। গতিকেলৈ আমাক বাৰু 33 টকা পইচাই আমাক কি দিছে? একেবাৰে আপোনালোকৰ ঘৰখনত বন কৰা মানুহগৰাকীক কিমান দিয়ে তেওঁলোকেতো চিন্তা কৰি চাব লাগে, নহয় জানো? আমি ইমান যুদ্ধ দিছোঁ, কিন্তু সেই যুদ্ধ তেওঁলোকে কোনো মূল্য দিয়া নাই। সেয়েহে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি বেছি ভিক্ষা বিচৰা নাই। আমাৰ যাতে সন্তানখিনিক ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক সাহস পাওঁ, তাকে আপোনালোকৰ পৰা আমি দান বিচাৰিছোঁ। ইমানকে মই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মনোজজী ৱেছে ডিটেইল মে আনসার দে দেঙ্গে, লেকিন মই বাস আপসে এক চিজ কহুঙ্গি, আপ হমসে ক্যা এক্সপেক্ট কৰ সকতি হ্যায় ইয়ে। अच्छा, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं वो मैं आपको
एक सेंटेंस में बता सकती हूं जिससे आपको हम पे भरोसा होगा। पूरे देश में सबसे ज्यादा तनख्वाह आंगनवाड़ी वर्कर्स को, मिड डे मील वर्कर्स को दिल्ली में मिलती है, 10,000 रुपए महीना मिलती है, और कहीं देश में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं पूरे देश में उन्हें 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पे 35,000 रुपए महीना उनको तनख्वाह मिलती है। तो जो लोग भी जिनके साथ अन्याय हो रहा है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो मिड डे मील वर्कर्स हों, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों, चाहे वो आशा वर्कर्स हों। आपका हक आपको जरूर मिलेगा, हम दिलवाएंगे, आपके साथ लड़ेंगे, जब तक आपके हक की लड़ाई पूरी नहीं होती हम आपके साथ खड़े हैं। डिब्रूगढ़ एक चाय के नगरी है और चाय के बगान में काम करने वाले, चाय के बगान में काम करने वाले जो हम लोग, जैसे हम इंग्लिश में लेबर बोला जाता है, श्रमिक बोला जाता है, चाय मजदूर बोला जाता है, इन लोगों को बड़े बहुत बड़ी एक समस्या है जो कि लैंड का। जो चाय इंडस्ट्री में काम करता है वहाँ कुंभ का जो क्वार्टर है, 2014 से पहले उसमें वेलफेयर सेक्शन में घर का जो दो रूम है, जो ब्रिटिश का बनाया हुआ घर है, उस घर में पहले रिपेयरिंग का काम होता था। जब से बीजेपी आए हैं उससे भी 2014 से आया, जब उसके बाद वो वेलफेयर सेक्शन था वो बंद हो गया। तो मैं बोलना चाहता हूँ जो लोग कंपनी का क्वार्टर में है, जो लैंड है, अब मान लीजिए कि जो जेल में रहता है 99% चाय बागान के लोग रहते हैं, ये बात नहीं है कि वो के लोग क्रिमिनल है, ऐसे छोटा छोटा केस में जेल के अंदर सड़ रहा है, तो उन लोगों का बेल नहीं मिलता, इसलिए को मट्टी का पट्टा नहीं है। तो अगले हम लोग एक्सेप्ट करेंगे आपसे कि आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनते हैं तो हम लोग चाय बागान के जो क्वार्टर है लैंड का, वो हम लोग को किस तरह से आप सोल्व करेंगे वो हम थोड़ा बताइए। थैंक यू। मैम भाई जानना चाहते हैं, मैम एक्चुअली जो चाय बागानों में रहते हैं वो क्वार्टर्स में रहते हैं, आज प्राय 200 साल 300 साल से वो लोग क्वार्टर्स में रह रहे हैं और आज तक उनको माटी का पट्टा नहीं मिला है। उनका 3-4 जनरेशन यहाँ ख़त्म हो गया है लेकिन उनको माटी का पट्टा नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे चाय बागानों के मजदूर जो हैं, छोटे छोटे क्राइम्स किए जिसमें उनको बेल मिल सकता था, क्योंकि बेलर पट्टादार नहीं है, तो वो जेल में अभी सड़ रहे हैं। तो इसका कुछ हल हम लोग को मिल सकता है क्या? देखिए इसका हल बहुत मुश्किल नहीं है, हल तो बहुत आसान है। माटी का पट्टा देना, इसमें किसी को कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा अमेरिका से आके कोई आपको बताएगा नहीं आपको क्या करना है, कोई वर्ल्ड बैंक से आके आपको बताएगा नहीं। अगर कोई साफ नियत वाली सरकार हो, साफ नियत वाले नेता होते तो आज तक आपको अपने घर का पट्टा, अपने माटी का पट्टा मिल गया होता, ये सीधी सी बात है। अभी तक नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये लोग आपको देना नहीं चाहते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है जो हमें समझने की जरूरत है कि अगर उनमें नियत साफ होती तो आज के दिन में चाय के बागान करने में काम करने वाले मजदूरों का ये हाल नहीं होता कि उन्हें 250 रुपए दिन की दिहाड़ी मिल रही है। वो एक ऐसे घर में रह रहे हैं 100-200 सालों से जहां पे उन्हें पट्टा नहीं मिल रहा। ये पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय चाय के बागान में काम करने वालों से वोट मांगने आती हैं, चुनाव का समय खत्म हो जाता है तो फिर आपके मालिकों को नोट देने आते हैं, ये काम करते हैं ये सारे नेता। तो इसलिए मैं आपको आज ये वादा करके जा रही हूं कि आम आदमी पार्टी चाय के बागान में काम करने वालों के साथ खड़ी है, चाहे उनकी दिहाड़ी जो उनकी डेली वेजेस है उनको 250 रुपए से 400 रुपया बढ़ाना हो, या आप लोगों को आपके मकान का पट्टा देना हो, ये आम आदमी पार्टी का वादा है, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। और वोट दिया तो अरविंद केजरीवाल करके दिखाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सुटी 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 के कबो आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिसु, लगते आगंतुक
पवित्र ईद और रंगाली विहुर शुभेच्छा ज्ञापन करिछो। आज जेखिनि कथा शुनिब पालो कोनोए दुख नधरिब इयात साय सम्प्रदायर और छय जनगोष्ठीर कथाय प्राधान्य हल जदिओ आमि डिब्रुगढ़त लैंगुएस्टिक एंड रिलिजियस माइनरिटी बिलंग करूँ आमार कारणे कि आछे हेखिनि आपुनि मुकलिभावे कोक कारण आमि लैंगुएस्टिक खिनि आमि डिटेंशन केम्पर परा डि भुटारर परा आदि करि बहुत जातनात आमि भुगि आछो। तारोपरी विगत एक सरकारे बसुंधरा वन बसुंधरा टू माटि आबंटन दिले सकलोके किन्तु इयात आमार लैंगुएस्टिक माइनरिटी आमि वंचित होय आछो। एक क्षेत्र आपोनालोकर स्थिति कि हब हेखिनि आपुनि प्रकाश करिब बुली मय आखाबादी धन्यवाद। भैया बोलना चाहते हैं कि वो रिलीजियस माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं और यहाँ पे ऐसा है जो अभी बीजेपी सरकार आने के बाद से रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों को बहुत उनके ऊपर अत्याचार किया गया है, सताया गया है। उनका जो माटी पट्टा जैसे वसुंधरा टू हुआ है, माटी पट्टा अलॉटमेंट नहीं हो रहा है और बहुत कुछ अलग अलग तरीके से उनको सताया जाता है। तो आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आती है तो हम रिलीजियस माइनॉरिटी को किस तरह से प्रोटेक्शन दे पाते हैं वो हमारे भैया जानना चाहते हैं। देखिए भारत देश में हम सब जो लोग रहते हैं हमारी संस्कृति में हमारा धर्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मुझे लगता है कि भारत के हर हिस्से में हम जिस धर्म को जिस भी धर्म को मानते हों वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सभी लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, पूजा करते हैं, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई चर्च में जाता है, लेकिन धर्म कर्म के काम अपने घर के अंदर होने चाहिए, अपने दिल के अंदर होने चाहिए। तो सुन लीजिए मेरी बात, सुन तो लीजिए। तो सबसे पहली बात, हम ये मानते हैं कि सबको अपने धर्म को सम्मान करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन सरकार की नज़र में किसी भी इंसान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मेजॉरिटी का हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे वो एक भाषा बोलता हो, चाहे वो दूसरी भाषा बोलता हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। सरकार का काम है कि हमें आपके बच्चों को अच्छे स्कूल देने हैं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या भाषा बोलते हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप सिख हैं या ईसाई हैं। सरकार का काम है आपको अच्छे अस्पताल देने हैं, आपको बच्चों को अच्छी नौकरियां देनी है। सरकार का काम है, जो चाय के बागान के हमारे साथी आए थे, हमारा काम है कि उनको ठीक मिनिमम वेजेस देनी है। तो ये बहुत दुख की बात है कि आज के दिन में असम में ऐसी सरकार है, देश में ऐसी सरकार है जो हमारे बीच धर्म के आधार पर भेदभाव करा के हमें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रही है, जो इस आधार पर वोट मांग रही है। तो मैं आपको इस बात का वादा कर सकती हूं कि किसी भी धर्म के लोगों के साथ अत्याचार नहीं होगा, किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। हर धर्म के, हर जाति के, हर भाषा बोलने वाले लोगों के बच्चों को अच्छे स्कूल मिलेंगे, सबको अच्छे अस्पताल मिलेंगे, सबको अपनी रोजगार का मौका मिलेगा। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की गारंटी है, हमारे सरकार में कोई भेदभाव नहीं होगा, ये हम आपसे वादा कर सकते हैं। धन्यवाद जनाइछो সকলোকে, আটিসি জি, মনোজ ধনোয়ার সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব কাৰণ মই এতিয়া যদি আৰু বেছি লৈ থাকো মই পিছত কাটি দিব লাগিব, বেয়া পাব। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আপোনালোকে যে সময় দিলে, সকলো আহি উপস্থিত হ'ল টাউন হল উইথ আটিসি এই অনুষ্ঠানত, আপোনালোকে আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছো। আমি পৰৱৰ্তী সময়তো DY365ত এই ধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। फिर से आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। थैंक यू कुमुद जी, और सॉरी मैंने आपको शुरू में कुणाल बोल दिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। कोई नहीं, आप हमारा गेस्ट है अभी। आपने टाइम दिया, इसीलिए आपका आभारी हूँ। मनोज जी आपका भी आभारी हूँ, आपने इतनी बिजी शेड्यूल में आपको टाइम मिला, फिर भी आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
আজিলে বিদায় লম, কিন্তু আপনাদের চাই থাকবে DY365।